प्रदेश सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा के आह्वान पर हिसार नगर निगम में सभी श्रेणियों के कर्मचारी अपने अपने काम का बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठ गए हैं। हड़ताल की वजह से हिसार की सफाई व्यवस्था भी चरमरा सकती है। अगर सरकार इन कर्मचारियों की मांगों को लागू नहीं करती तो कर्मचारियों का कहना है कि गत 9 मई से चली 16 दिन अपनी मांग के समाधान के लिए चली हड़ताल के बाद 24 मई को हुए समझौते को लागू नहीं किया गया। वहीं कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि ऐसा लगातार और दमनकारी नीतियों से कर्मचारियों की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वहीं नगर निगम के सफाई कर्मचारी के प्रधान प्रवीण कुमार का इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहना रहा, सुनिए। आज हम 3 दिवसीय हड़ताल पे 3-4-5 अक्टूबर की हम सरकार से जो हमारा समझौता हुआ था 24 मई को कि जो सरकार ने वो समझौता लागू नहीं किया, इसलिए हमारे को हड़ताल पे जाना पड़ा। मांगे हमारी ये है कि सभी कैटेगरी के कच्चे कर्मचारी को पक्का किया जाए, निगम से संपूर्ण रूप से ठेका प्रथा बंद करी जाए, चाहे वो क्लरिकल स्टाफ पे हो, स्वीपर स्टाफ पे हो, माली स्टाफ पे हो, इलेक्ट्रीशियन पे हो, किसी पे भी हो, निगम से ठेका प्रथा संपूर्ण रूप से हटाई जाए। साफ कर्मचारी संघ के जिला उप प्रधान नुकल सिंह ने इस हड़ताल को लेकर क्या कुछ कहा, वो भी जरा सुन लीजिए। आज नगर पालिका की हड़ताल, बार बार नगर पालिका कर्मचारी महासंघ पूरे हरियाणा के अंदर इस बात को लेकर के जनता के बीच में धरना के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से जनता को आगाह किया कि हम सफाई व्यवस्था को सुचारू रखना चाहता है, जिससे जिसके लिए हम नौकरी करते हैं, हमारी जनता इसे असुविधा न हो। लेकिन सरकार बार बार इन कर्मचारियों को आंदोलन के लिए प्रेरित कर रही है। 24 तारीख को पीछे 16 दिन की हड़ताल के बाद सरकार जगह इनके साथ बातचीत करी, बातचीत करके कुछ इनकी मांगे मानी थी, जो आज तक उसका कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ। कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना, समान काम समान वेतन लागू करना, निगम के अंदर तमाम जो कैटेगरी ठेकेदारी के थ्रू नौकरी कर रहे हैं उसके बीच में ठेकेदार को हटा करके निगम के रोल पर कर्मचारियों को रखना, और कच्चे कर्मचारियों को कम से कम जब तक रेगुलर नहीं होता 15,000 रुपये मिनिमम वेतन देना, ये सरकार के साथ फैसला हुआ था। इस फैसले को भी सरकार ने 16 दिन के हड़ताल के बाद लागू नहीं कर सका, जिसके लिए आज नगर पालिका कर्मचारी संघ हड़ताल पर है। सर्व कर्मचारी संघ के जिला उप प्रधान होने के नाते ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि नगर पालिका कर्मचारी संघ के ऊपर इसकी बार रोडवेज की तरह सरकार ने किसी कर्मचारियों को टर्मिनेट करने की कोशिश करी, एस्मा लागू करने की कोशिश करी, तो सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा पूरा का पूरा इस सरकार को मुंह तोड़ जवाब देगा, और सर्व कर्मचारी संघ नगर पालिका के साथ कंधे से कंधे मिला करके आंदोलन में आगे बढ़ेगा। हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन के वरिष्ठ उप प्रधान सुरेंद्र मान ने बताया कि हम सरकार को कहना चाहते हैं कि 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का रोडवेज का कर्मचारी व तमाम यूनियन के कर्मचारी शामिल होकर बड़ी हड़ताल करेंगे और हरियाणा गवर्नमेंट पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्कर यूनियन पूरा समर्थन देगी, और सरकार द्वारा आने वाले समय में अगर कोई आसमां जैसा कानून लेकर आई तो सरकार को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हरियाणा प्रदेश की सरकार कर्मचारियों से समझौते करके बार बार मुकर कर रही है, चाहे वो रोडवेज का मामला है, चाहे MPSC का मामला है, चाहे वो अलग अलग महकमों की बिजली का है, चाहे टीचर्स का, क्लास 4 यूनियन का है, चाहे पशुपालन का है, हर महकमे कर्मचारियों के साथ धोखा कर रही है। इस बात को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर रोडवेज के कर्मचारियों ने पीछे हड़ताल की थी, सरकार ने एस्मा लागू की और वहाँ पर सरकार ने हड़ताल को पीटने का पूरा प्रयास किया, और MPSC कर्मचारियों ने हड़ताल की थी, एस्मा लगाया, दबाव बनाया, समझौता करना पड़ेगा। हम कहना चाहते हैं सरकार को, जो हड़ताल आज 3 दिन की हड़ताल है जो नगर पालिका कर्मचारी संघ की, वो हड़ताल काम है पूरे प्रदेश के अंदर है, और 16 और 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश का रोडवेज का कर्मचारी तमाम इनमें शामिल होकर के बड़ी हड़ताल करेगा, और ये बता देगा सरकार को आपने जो रोडवेज विभाग के अंदर एस्मा लगाया है उसका मुंह तोड़ जवाब कर्मचारी देंगे, क्योंकि मुख्य मांग यही है कि रोडवेज के अंदर 720 प्राइवेट कंपनी की बसें हायर कर करके जो ठेके पर लेने की बात की है वो वापस किया जाए। इसी तरह से पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर काम करने वाला कर्मचारी है, आज नगर निगम प्रदेश के अंदर 8 बनाए थे, करनाल
और सोनीपत के अंदर पब्लिक हेल्थ की जल और मल सेवाएं हैं वो नगर निगमों के हवाले कर दी गई। हमने विरोध किया मैकेनिकल वर्क कृष्ण अमृत ताइस ने कि कर्मचारियों को नगर निगम में ना भेजा जाए, और ये प्रपोजल सरकार की है कि तमाम नगर निगमों के अंदर शहर की जल और मल की सेवाएं हैंड ओवर कर दी जाए। इसके लिए 18 अक्टूबर को पीडब्ल्यूडी मैकेनिकल वर्क यूनियन जिला मुख्यालयों पर धरना देगा और डीसी के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन भिजवाएंगे।